सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पुलिस ने बिनानी सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामले में कंपनी के चेयरमैन ब्रिज बिनानी, डायरेक्टर निधि बिनानी, श्रद्धा बिनानी, एमडी सहित कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में प्रार्थी सुरेंद्र सिंह रणावत, शशि कंवर, मीना कंवर को कंपनी ने सीमेंट की ढुलाई के भुगतान के लिए अलग अलग चेक दिए, लेकिन बैंक में समय पर रकम नहीं मिल सकी। पुलिस को मिली शिकायत में ये भी बताया गया है कि धनेश्वर में कंपनी ने सीमेंट का लदान कर दूसरी जगह भेजने के लिए 13 जुलाई 2016 को करार किया था। इसके बाद कंपनी ने 24 अगस्त 2017 करार के अनुसार सुरेंद्र सिंह को करीब 7.5 करोड़ के भुगतान के लिए पीएनबी मुंबई के नाम 4 चेक दिए। मीना कंवर को भी करीब 8 लाख के 4 चेक और शशि कंवर को भी करीब 2 करोड़ के 4 चेक दिए गए, लेकिन तय डेट से पहले ही कंपनी के अधिकारियों ने आर्थिक समस्या का हवाला देकर बैंक में चेक नहीं लगाने, दूसरे चेक जारी करने का भरोसा दिया, लेकिन फिर भी नए चेक नहीं मिले। तीनों ने पहले दिए गए चेक ही बैंक में भुगतान के लिए लगा दिए। उनका भुगतान तो हो गया, लेकिन बाउंस होकर चेक वापस लौटा दिए। उसके बाद रकम के बदले धमकी मिलती रही। इस पर प्रार्थियों ने कोर्ट की शरण लेकर बिनानी सीमेंट के चेयरमैन, डायरेक्टर सहित दूसरे लोगों को नोटिस भेजा। जवाब में कंपनी ने कानूनी कार्रवाई नहीं करने और फ्रंट मिलते ही जल्दी रकम देने का भरोसा दिया, लेकिन समय निकलने पर भी शिकायत करने वालों को कंपनी से पैसा नहीं मिला। तो इन्होंने 2017 के अंदर हमारे को 24 अगस्त को 4 चेक दिए थे कि भाई मूल रकम इन 4 चेक से तुम्हारी क्लियर हो जाएगी और इंटरेस्ट का अलग से तुम्हारा करवा देंगे। वो बात 24 अगस्त 2017 को हुई थी और 1 मई 2018 से चेक लगाने थे, चेक का क्लियर नहीं हुआ तो इनसे बात किया वापस का, हमारा सीमेंट फैक्ट्री जो है इंसॉल्वेंसी में है, ये अगले 4-6 महीने में होते ही हम आपको पेमेंट दे देंगे। और इन्होंने 47 लोगों का, ये हमने 5 लोगों के हमारे मेरे खुद के हैं, बाकी 47 लोगों के 76 करोड़ रुपए जो मूल रकम है वो सबको गुमराह कर रहे हैं। कईयों को तो बेचारों केस ही दर्ज नहीं करने दिया और वो नीरव मोदी जैसा ही करेगा। मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है चौधरी ट्रांसपोर्ट, उसमें मैंने यहाँ बिनानी सीमेंट में काम किया। उन्होंने एक खुद की कजन फर्म है धनेश्वर सॉल्यूशन करके जो बिनानी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, उसके थ्रू हमें कांटेक्ट दिया। उसके बाद पेमेंट की जो बात हुई, आज देते हैं कल देते हैं, फिर एक कुछ टाइम बाद हमें 4 चेक इशूज किए और उन चेकों को कहिए आपको 6 महीने या साल बाद आपको पेमेंट मिलेगी एग्रीमेंट के सहित। और वो जब टाइम आया तो उस टाइम वही बात कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, आप चेक मत लगाओ। किसी ने लगाए, किसी ने नहीं लगाए, और चेक लगाए तो बाउंस हुए। अब उसके बाद हम मुंबई गए, वहाँ जाके बातचीत की हमने, फिर वही महीने में 30 दिन में आपको पेमेंट मिलेगी, गुमराह करते रहे। और इनके जो कर्मचारी है अनुराग जी बागड़ी है, वो मिलते हैं और जाते हैं, जब भी धमकाते हैं कि आपके खिलाफ यहाँ हो गए पुलिस कार्रवाई।